इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। गोंडा में बृजभूषण शरण के घर पुलिस पहुंची हुई है। परिवार, सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ के लिए बयान, कुछ लोगों के मोबाइल जब्त कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं। गोंडा में बृजभूषण सिंह के घर पर पुलिस पहुंची हुई है और इसके साथ ही आपको बताते चले, सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ के लिए बयान और कुछ लोगों के मोबाइल भी जब्त कर दिए गए हैं, क्योंकि बृजभूषण पर जो आरोप लगे हैं उसको देखते हुए अब ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस पहुंची हुई है। और साथ ही साथ अब परिवार के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि लगातार इन दिनों बृजभूषण सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि महिला पहलवानों की तरफ से यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। और इसी को देखते हुए पुलिस जो है वो पहुंची हुई है गोंडा बृजभूषण के घर पर। हमारे सहयोगी देवमणि हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। देव, क्या जानकारी मिल पा रही है, पुलिस कब पहुंची है और क्या सबसे पूछताछ भी की जाएगी? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, उसी क्रम में एक SIT गठित की गई थी। SIT की टीम रविवार की रात यहां पर विष्णुहरपुर आवास, जो बृजभूषण सिंह का पैतृक आवास है, वहां पर पहुंची है और 14 लोगों के उन्होंने साक्ष्य जुटाए हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके आधार कार्ड और भी तमाम जो साक्ष्य हैं उनसे पूछताछ की है। वही ये भी बताया जा रहा है कि उनके परिजनों, स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और भी तमाम लोगों से बातचीत की है दिल्ली पुलिस ने, उनके बयान दर्ज किए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 140 लोगों के बयान पहलवानों से या उससे जुड़े जो भी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनसे जुड़े तमाम लोगों के बयान लिए जा चुके हैं। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस, ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने यहाँ के लोगों को बुलाकर दिल्ली में बयान लिए थे और दिल्ली पुलिस फिर यहाँ रविवार की शाम पहुंची है और वहाँ उनसे जुड़े लोगों को, जो सांसद के आसपास या उनके सुरक्षा कर्मी, उनके नौकर और भी जो स्टाफ जो जिनको SIT की टीम महत्वपूर्ण समझ रही थी उनसे बयान लिए हैं। और ये बताइएगा, क्योंकि 140 से अधिक लोगों के बयान दिल्ली पुलिस पहले ही दर्ज कर चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि कई लोगों के फोन भी जब्त किए गए हैं, किन किन के फोन जब्त किए गए हैं और अभी क्या पुलिस अभी वहीं पर मौजूद है और या फिर ये भी है कि कुछ देर के बाद वहां से निकलेगी, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं उनसे ये सूचना मिली है कि कुछ लोगों के मोबाइल फोन, हालांकि सिम निकाल कर दे दिया गया है, लेकिन उनका जो मोबाइल फोन है लोकेशन के तौर पे और भी जो तमाम चीजें हैं जो सांसद के साथ अक्सर रहते हैं, चाहे ड्राइवर हो या सुरक्षा कर्मी हो या फिर जो अन्य स्टाफ जो उनके साथ, उनका कुक, उनका और भी जो स्टाफ है, अनुचर है, वो उनके मोबाइल फोन लेने की बात की जा रही है। लेकिन ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसका फोन लिया है, किससे लिया है, ना अभी तक ये पता चल पाया है कि किनसे जो 14 लोग हैं उनको उनके किनसे बयान लिए गए हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि उनके परिजनों से, सुरक्षा कर्मियों से और भी जो तमाम उनसे जुड़े महत्वपूर्ण स्टाफ हैं उनसे बयान लिए गए हैं। ये दिल्ली पुलिस रविवार को रात में पहुंची है और सोमवार को बातचीत करके लोगों से बयान दर्ज करेंगे। देवमणी, ये बताइएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पहले भी मूवमेंट को लेकर ये बात सामने आ रही है कि पहले भी दिल्ली पुलिस पहुंची हुई थी उनके घर पर, अभी उनके घर पर कौन कौन मौजूद है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सांसद के अलावा उनके परिजन, दिल्ली पुलिस के सांसद के परिजन, उनके स्टाफ और जो समर्थक, क्योंकि जो दैनिक क्रिया दिनचर्या के बाद जिम वगैरह जाने के बाद सांसद तमाम लोगों से, समर्थकों से और जो अपने जो उनसे आसपास के लोग हैं जो मिलने आते हैं उनसे मिलते हैं, तो सांसद के अलावा जो और समर्थक वो सब मौजूद हैं, उनके परिजन मौजूद हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो बात की जा रही है वो रविवार रात में जब पहुंची है और सोमवार को लोगों से बयान दर्ज करके और उसके बाद वो दिल्ली जा चुकी है। बाकी सांसद बृजभूषण सिंह अपने पैतृक आवास विष्णुहरपुर मौजूद हैं और उनके परिजन और सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उन्नीस साल पहले मुख्तार ने जेलर के सिर पर रिवॉल्वर तान दी थी। लोअर कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, लेकिन योगी सरकार ने केस को अंजाम तक पहुंचाया। ये रिपोर्ट देखिए।